सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन जब पिछले आईपीएल सीजन में पूरे वक्त बेंच पर बैठ रहे थे तब भी वह सुर्खियों में रहते थे और अब जब वह लगातार मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं तो भी वह हर मैच के साथ सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी अपने आईपीएल डेब्यू को लेकर, कभी अपने पहले विकेट को लेकर, तो कभी एक ओवर में 31 रन लुटाने को लेकर वह चर्चा में रहे हैं। अब इस बार वह अपनी बल्लेबाजी को लेकर ट्रेंड कर रहे हैं। बीती रात उन्हें पहली बार आईपीएल में बल्लेबाजी का मौका मिला और यहां उन्होंने एक मामले में पिता सचिन को भी पीछे छोड़ दिया। गुरुवार रात गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस की पारी के 18वें ओवर में पीयूष चावला आउट हो गए। इसके बाद आईपीएल में पहली बार अर्जुन तेंदुलकर बल्ले के साथ मैदान पर उतरे। उन्होंने 9 गेंद पर 13 रन की पारी खेली। अब इस पारी में उन्होंने छक्का भी जड़ा। वह 20वें ओवर में मोहित शर्मा का शिकार बने। यहां आउट होने से पहले वह सचिन तेंदुलकर के डेब्यू मैच में स्कोर होने से एक कदम आगे निकल गए। सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ डेब्यू किया था। इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए वह महज 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। यानी अर्जुन ने आईपीएल बैटिंग डेब्यू में अपने पिता से एक रन ज्यादा बनाया। इससे पहले अर्जुन तेंदुलकर जब आईपीएल में पहला विकेट चटकाए थे तब भी उन्होंने सचिन को पीछे कर दिया था। दरअसल सचिन ने आईपीएल के 6 सीजन खेले और गेंदबाजी भी खूब की, लेकिन उन्हें कभी विकेट नहीं मिला था। ऐसे में जब अर्जुन ने विकेट हासिल किया तो सचिन यह कहते हुए नजर आए थे कि आखिरकार किसी तेंदुलकर के नाम अब आईपीएल में विकेट भी दर्ज हो गया है। अर्जुन ने आईपीएल डेब्यू के साथ एक रिकॉर्ड बनाया था। सचिन और अर्जुन पहली पिता पुत्र की जोड़ी है जो आईपीएल खेली है। अर्जुन ने इस मैच में गेंदबाजी की जबरदस्त वापसी की। उन्होंने 2 ओवर में गेंदबाजी करते हुए महज 9 रन खर्च किए और रिद्धिमान साहा को पवेलियन भेज दिया। बता दें कि पिछले मुकाबले में अर्जुन को एक ही ओवर में 31 रन पड़ गए थे। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान अपने 3रे ओवर में जब उन्हें पहली गेंद पर छक्का पड़ा तो वह दबाव में ऐसे बिखर गए कि कुल 31 रन खर्च कर बैठे थे।